welcome the handsome, dashing Advani Raja और जवान दिलों की धड़कन हर कन्या का ख्वाब लालू संजय, साथ में हॉट एंड हैपनिंग रिपोर्टर भैरवी। बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। जैसे तैसे उम्मा से पीछा छूटा, अब ये दमा पीछे पड़ गया है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बैल हमारा बाप, बात देखो अडमनिया सांप है। अरे लालू जी, आप यहाँ जंगल में ये टॉर्च 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 क्या कर रहे हो? लालटेन का जो है तेल खत्म हो गया था, तो टॉर्च लेके ना घूमेंगे बुढ़वा। बाकी बाराती कौन है रे? सर, मैं रेडियो की तरफ से आई। सर, रेडियो की तरफ से आई हो? तो एक कैमरा का है हाथ में? सर, मेरे चैनल का नाम रेडियो। सर, कुछ भी नाम रख लेते, ट्रांजिस्टर चैनल रख लो। सर, इस जंगल का रिपोर्टर मैं। सर, मैं यहाँ सब कवरेज करती। खुद तो कवर कर लो, खुद ही कवरेज से बाहर जा रही है। सर, सर मैं ऐसे वैसे लड़की नहीं। सर, बचपन से बस मेरा एक ही सपना था, चैनल खोलने का। सर, खोल लिया। कैसे? सर, ये चैनल में काम मिला ना, हर रोज सुबह जाके मैं ही खोलती ताला। तुम्हारा नाम क्या है स्वीट गर्ल? सोनिया। सर, विदेशी भगाओ, इससे बचाओ। मैं उधर का सोनिया जिधर का इटली फेमस, उधर का नहीं जिधर का सोनिया फेमस। आज खुल के बताओ तो कुछ हो। ऐसे सर, मैं साउथ इंडिया से। सर, मेरी माउथ से साउथ का फीलिंग आता होगा ना। सर आ रहा है। सर, आप इधर जंगल में क्या कर रहे हैं? सर बताइए। हम ये तो ऑलरेडी जंगल में है, बल्कि इससे कुछ नहीं होगा, डरो मत। चुप बुड़वा, कहाँ के हम एमएमएस देखने आए। सर, आपको नौ नौ बच्चा है और आप एमएमएस देखते शर्म नहीं आती? सर, नौ किया कनेक्टिंग पीपल। आज पता चला ब्लूटूथ का मतलब ब्लूटूथ क्यों होता है। अरे चुप, मोना का नाम जीना तमान। एमएमएस का मतलब भूलते हो? माया, ममता, सुषमा, ये तीनों हमारी भैंस है। अगर डू यू अंडरस्टैंड बफेलो? सर, बफेलो मिल गया। सर, अभी तो साढ़े मिला है, बफेलो मिलेगा तो घर फोन कर देंगे। ओके सर, राइट। सर, आप इधर जंगल में क्या करते? पार्टी ने निकाल दिया। अयो, कब? कल डांसिंग पार्टी थी, यू नो अडवाणी का डांस साला। अरे वो तो हमको भी पार्टी से निकाल दिया करके मुंह काला। लेकिन सर, इनको तो डांस नहीं आते, इसलिए निकाला। आपको क्यों निकाला? भाई ये कुछ ज्यादा ही नाच रहे थे। सर बस हो गया, अब मुझे ये बताओ, आप लोग जंगल में आकर आप लोगों को शेर से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता है, मैंने कई शेर मारे हैं। बहुत मानी जी, तब तो मौका भी है, माल भी है, शेर मारिए। सर वो शेर नहीं, सर वो जंगल वाला शेर। क्या बोले, तुमको शेर से डर लगता है? सर मैं क्या बताऊँ, एक बार मैं घोड़े पर थी और मेरे पीछे शेर। सर, बड़ा मजबूत घोड़ा था, इसको भी बैठा लिया, शेर को भी। सर, देश को नहीं कम से कम शेर को तो सीरियसली लो। सर कर लेते हैं सीरियसली। सर अब जानते हो, मैं आगे आगे, शेर मेरे पीछे पीछे, मैं राइट शेर राइट, मैं लेफ्ट शेर लेफ्ट, मैं इतना डर गई थी। सर फिर बच्ची कैसे बेटी? सर मैंने आइडिया लगाया, घोड़े का इंडिकेटर राइट का दिखाया और लेफ्ट में टर्न कर लिया। क्या सोच रही हो, हम लोग जंगल में है तो पटना में दिमाग रख के आए का? घोड़ा का इंडिकेटर होता है रे पगली। सर वो क्या है ना, सर हमारे स्क्रिप्ट में कोई जोक नहीं था तो मैंने जोक मार लिया, सॉरी। ये बहुत बोलती है, ये साउथ इंडिया की नवजोत सिंह सिद्धू है। चुप, अब ना लेफ्ट बोलेगा ना अपोजिशन बोलेगा, जो बोलेगा उस सेंटर है बोलेगा। बोलिए महाराज। प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। चाहे कोई मुझे जंगली कहे,
कहता है जी कहता रहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, सुन ना ले, कोई सुन ना ले। ओए जोर। डार्लिंग, आज 2 महीने के बाद हम जंगल में अकेले मिले हैं। आज मैं आपको अपने दिल की बात बता के रहा हूँ। देखिए जी, धीरे बोलिए ना, धीरे बोलिए, आजकल दीवारों के भी कैमरे होते हैं। यहाँ हमें कौन देखेगा? इस एंटीने के हिसाब से शेर और शेरनी यहीं कहीं होने चाहिए। वाह, वो रहे। शेर अपनी टांग को हिला रहा है, इसका मतलब ये जोड़ा फुल रोमांस के मूड में है। अरे बेड़ा, घर को इस डिस्कवरी वाली का रोमांस का मूड बाद में बनता है, ये अपना कैमरा लेके पहले पहुंच जाता है। हमने शेर के गले में एक पट्टा डाल दिया है जो हमें बराबर से सिग्नल देता रहता है और हमें बताता रहता है कि ये कहाँ पे है। फिर मैं इनकी तरक्की के बारे में सोचती हूँ। अरे कैसी तरक्की की बात कर रही है, पट्टा डाल के मेरे गले में मुझे शेर से कुत्ता बना दिया। अरे ये तरक्की हो रही है क्या? अब जिधर जाता हूँ आवाजें आती है, टूटू टूटू, पता नहीं कौन से चैनलों के सिग्नल कैच करने लगा हूँ मैं। हमारे रिसर्च ने शेरों के बारे में लोगों को काफी कुछ बताया है, इसीलिए हमने जंगल में बड़े बड़े टीवी टावर लगवा दिए हैं जिसका डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है। अरे टीवी टावरों से टीवी चले ना चले, लेकिन इन गिद्धों के मौज लगे हुए हैं, ये ऊपर बैठकर पूरे जंगल को देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं और देही देखते हैं यहाँ किसका शिकार हो उसको नोच के खाएं। शेर सिर्फ 72 सेकंड तक दौड़ सकता है, अगर ये दौड़ते दौड़ते थक जाए तो इसे 3.5 घंटे लगते हैं अपनी एनर्जी को वापस लाने में। डार्लिंग, जब से इसने ये हमारा 72 सेकंड वाला कोड बताया है ना, पूरे जानवरों ने जिम ज्वाइन कर रखा है। सभी जानवर वो अर्चना और रोहित की तरह डोले लेके घूम रहे हैं। अगर हम दुनिया को इन जानवरों के बारे में नहीं बताएंगे तो इनकी नस्ल खत्म हो जाएगी। अरे अगर तू हम पर ऐसा कैमरे लगा कर बैठी रही ना, नस्ल वैसे ही खत्म हो जाएगी, ना खुद बच्चे पैदा करती ना हमें करने देती है। ये लोग तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सैफ और सलमान कहीं नजर नहीं आ रहे। सैफ और सलमान कौन है जी? अरे ढालिंग, अपने बच्चों के इंसानों वाले नाम रखे हुए इन्होंने। क्या हमारा भी कोई नाम रखा है इसने? अरे मेरा नाम तो ऐसा रखा है, मैं शर्म के मारे किसी को बता नहीं सकता। क्यों? मेरा नाम रखा है शक्ति कपूर। कहा था मैंने सर्कस में नौकरी कर लो, बंदा बंदा या मीट मिलेगा। क्या था, 2 बार आग के चक्कर में से गुजरना था और पंजे जोड़कर खड़े होना था। अरे मैं जंगल का राजा हूँ, मैं पंजे नहीं जोड़ सकता। तो फिर मरो यहाँ, रहो कुत्ते बनकर। अरे यार सर्कस, सर्कस से अच्छा तो चिड़ियाघर है, 9 से 5 ड्यूटी करनी है, 5 बजे के बाद चिड़ियाघर बंद हो जाता है, प्राइवेसी भी मिल जाती है। 1 मिनट में बात करता हूँ। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो मैडम, हाय। ओह माय गॉड, आप इंसानों की भाषा बोलते हैं? अरे जगह जगह जंगल में टीवी लगवा दिए, हमने शो देखा था, 30 दिन में हिंदी सीखिए। हम हिंदी सीख चुके हैं, कैसी विडंबना है, शेर उत्कृष्ट हिंदी बोलते हैं, हमने अपनी भाषा में संशोधन कर लिया है। अब लेकिन एक बात तो जरूर है कि मैं आप दोनों से मिलने डेली आया करूँ। मैडम सॉरी, प्लीज प्लीज, हमें अब जंगल में नहीं रहना, प्लीज आप अपना सोच लगाकर हमें किसी चिड़ियाघर में ट्रांसफर कर दीजिए, हम आपके पंजे जोड़ते हैं, प्लीज। अरे पंजे अभी तो जोड़ो, आपके आगे पंजे जोड़ते हैं। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। अरे क्या सुनती नहीं हो, हमारा एक्सपीरियंस हम आपको बोलते हैं। हम बोला था उठ के मत जाओ, लेकिन नहीं सुनेंगे नहीं आजकल का बीबी लोग भी तो है, उठ के जाएंगे गुसल खाने जाके फलस खींचा और प्लेन क्रैश हो गया तुम्हारी वजह से। अरे चुप रहो, अब जल्दी जल्दी चलो वरना शेर आके खा जाएगा। अरे अच्छा ही है ना, अच्छा ही है, तुमको खा जाएगा। क्या अच्छा होगा, हमको अभी थोड़े विधवा बनना है। जानती हो हम डिस्कवरी में देखे हैं, शेर पीछे से आता है, तुम्ही को खाएगा वो। अरे वो शेर है, शेर पाकिस्तान थोड़े जो आगे से आके समझौता करेगा और पीछे से आके कारगिल करेगा। कौन है रे? ओ बाबा।
अरे कौन हो, क्या हो बे? हमारा नाम राजू रफ्ताइल है, उम्र है 500 करोड़, गांव है जुरासिक पार्क, समझे? अरे दो दो मुंह लेकर कहे चल रहे हो? ये वेजिटेरियन है और हम नॉन वेजिटेरियन। चला, हमको डराएगा? तुम्हारा दिया खाते हैं क्या? हाँ लाली, इसको देख के डर लग रहा था तुमको? ना ये शेर है ना ये भालू है, बिना पहचाने कैसे डरे? हमसे शेर भी डरता है माँ जी। ता वो शेर का प्रॉब्लम है, हमरा का। अरे ये भाई, एक ही एक्सप्रेशन देते हो क्या हर बात पे? क्या हो तुम, डीनो हो क्या? डीनो मोरिया। ए डीनो सुन, इधर आ जा। इज्जत से बुलाए तो आएंगे, मिस्टर डायनासोर करके बुलाए तो आएंगे। साले आता है कि दू घुमा के। माजी 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 प्लीज एक बार हमसे डरिए, करोड़ों सालों से डराने का धंधा कर रहे हैं हम। आतंकवादी है क्या? आतंकवादी का नाम मत लो, जब से वो ससुराल लादेन जंगल में घुसा है, अमेरिका ने बमबारी कर हमारा जीना आराम कर दिया है। कहाँ जाए क्या करे कुछ समझ में नहीं आता है बाबूजी। हमारे साथ शहर चलो, आजा। रुक, तुम्हारे साथ चलते चलो। सुनिए, ये शहर जाके क्या करता? हमारा कुत्ता बुढ़ा गया ना, उसको रिटायर करके इसको रखवाली का काम दे देंगे। I'm not interested in this job, फालतू job। जो कुछ नहीं करेगा क्या करेगा? क्या करेगा? रियलिटी शो का जज बनेगा और क्या? जज बना ले क्या रियलिटी शो का? वो क्या होता है? अरे वो तेरे सामने जो बैठे वो जो है ना बैठे ना, वो देख रहा उनको, वो है रोहित शेट्टी। और उनके साथ जो बैठी है ना वो दीदी। 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 दीदी।